नमस्कार बंधु, आज का इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूमिक एसिड के बारे में। फसलों में ह्यूमिक एसिड का रोल क्या है, ह्यूमिक एसिड कहाँ से मिलता है, ह्यूमिक एसिड का कमी हो जाता है तो क्या होता है, और ज़्यादा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, इसके बारे में आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आपका इसमें इंटरेस्ट है तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। ह्यूमिक नाम से पता चल रहे हैं कि ये ह्यूमस से बनते हैं, और ये सच भी है कि ह्यूमस से ह्यूमिक एसिड बनते हैं। ज़्यादातर कुछ खनी और समुंदर से ह्यूमिक एसिड को लाया जाता है। ह्यूमिक एसिड कम्प्लीटली नेचुरल है, इसमें रसायन का कोई बात ही नहीं है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमिक एसिड का रोल क्या है फसलों में। मिट्टी में ह्यूमिक एसिड का मात्रा सही रहता है तो जड़ों का विकास बहुत अच्छा से होता है। जड़ों का विकास बहुत अच्छा होने के कारण में मिट्टी में जितना न्यूट्रेंट्स है उस न्यूट्रेंट को बहुत अच्छा से पौधा को देते हैं, पौधा को लेने में मदद करते हैं, और मिट्टी में पानी का धारण क्षमता भी बढ़ा देते हैं, और इसमें पौधा का भी विकास बहुत अच्छा से करते हैं। मिट्टी में ह्यूमिक एसिड का मात्रा कम रहेगा तो ऑप्टिमम फसल आने का चांस कम रहता है, लेकिन मात्रा सही रहेगा तो ऑप्टिमम फसल आ जाएगा। मिट्टी में ह्यूमिक एसिड सही मात्रा में रहता है तो मिट्टी का हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है, जिसका वजह से ज़्यादा दिन तक फसल लाने का चांस रहता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कितने प्रकार का ह्यूमिक एसिड होते हैं उसके बारे में। ब्लैक ह्यूमिक एसिड जो मार्केट में दानेदार फॉर्म में मिलता है, इसका पानी में घुलने का क्षमता बहुत कम है, और ये मिट्टी का साथ भी कम घुलते हैं तो ज़्यादा दिन तक मिट्टी का साथ रह जाते हैं या बह के दूसरा ज़मीन पे चले जाते हैं। ब्राउन ह्यूमिक एसिड जो मार्केट में पाउडर फॉर्म में मिलता है, इसका पानी में घुलने का क्षमता बहुत ज़्यादा है, किसी भी पीएच मात्रा में दीजिएगा तो इसको यूज करना बहुत अच्छा होता है, और ये इसमें फुल्विक एसिड का मात्रा ज़्यादा रहता है। और एक है ब्राउन ब्लैक है, किसी भी पीएच मात्रा मिट्टी में इसको डालिए, इसका जो घुलने का क्षमता है ये मीडियम है, इसको भी हम लोग ज़मीन पे यूज कर सकते हैं। ये मार्केट में जो खर्चा होता है एकड़ में देखा जाता है तो 100 से 150 रुपया में हो जाएगा। ज़्यादातर मार्केट में ये ब्राउन कलर का कागज़ का पैक में मिलता है। और एक है ब्लैक ब्राउन, इसका भी घोलनशीलता मीडियम है। यहाँ पे देखिए 4 टाइप का ह्यूमिक एसिड है, जिसका मीडियम मीडियम है। ब्राउन का सबसे ज़्यादा पानी में घुलने का क्षमता है, जिसको यूज करना है हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक ह्यूमिक एसिड मिलता है जो लिक्विड फॉर्म में, इसको मिट्टी में भी दे सकते हैं, खाद का साथ मिला के भी दे सकते हैं, या हम लोग स्प्रे करके भी दे सकते हैं, जो बहुत ईजी होता है। तो आप लोग अभी देख लिए हैं कि ह्यूमिक एसिड कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे इसको यूज किया जाता है। आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिला है तो ज़रूर इसको लाइक करिए। आपको लग रहा है कि दूसरा किसान को इसको जानकारी देना चाहिए तो इसको शेयर करिए, और आपको और कुछ जानकारी चाहिए, हम लोग कुछ भूल बता दिए हैं, आपको कुछ सजेशन है तो ज़रूर इसको कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश कर रहे हैं एमिनो एसिड के बारे में जानकारी देने के लिए। आपको दूसरा कुछ चीज़ों के ऊपर जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग कोशिश करेंगे टीम कि आपको ये जानकारी दे दिया जाएगा।